ओके okay, तरह अपन क्वेश्चन नंबर टू बगू सो प्रैक्टिस सेट 1.1 पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू इट इज़ सेइंग दैट सॉल्व द फॉलोइंग सेमल्टेनियस इक्वेशन फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज़ अवर लास्ट ईयर्स मेथड एलिमिनेशन मेथड और सब्सटीट्यूट मेथड तो हम ये जो भी सॉल्व करेंगे उसमें मैं आपको हो सके तो दोनों मेथड से शो करूँगा या वॉट जो मेथड इंप्लीमेंट होगी वो मेथड से मैं आपको प्रॉब्लम शो करके बताऊँगा अभी सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया है दिया है थ्री ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स एंड ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू सो आई हैव मार्क्ड फर्स्ट एज क्वेश्चन वन एंड सेकेंड एज सेकेंड इक्वेसन नाउ वॉट वी कैन टू सी ही द क्विफिशंट ऑफ बी इज़ फाइव एंड फाइव दैट इज़ सेम दाइन इज सेम एज क्विफिशंट इज सेम सो वी कैन एलिमिनेट द बी टर्म सेकेंड टर्म बट द साइन ऑफ द बोथ टर्म्स इन द डिफरेंट टू डिफरेंट इक्वेशन्स आर सेम सो वी नीड टू सब्सट्रैक्ट दीज टू इक्वेश फॉर सब्सट्रैक्टिंग न यहाँ पर थोड़ा सा सब लोग एक ध्यान से रखना जो हम लिखते हैं उसमें किस तरह से कन्फ्यूजन हो सकता है उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा यहाँ पर हम लिखते हैं सब्सट्रैक्ट वन फ्रॉम टू तो, अभी ध्यान से देखना ये जो मैंने लिखा है ये सबकी कॉमन प्रैक्टिस है सबस्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू और थ्री फ्रॉम वन या वन फ्रॉम थ्री जो हम लिखते हैं ये लिखने के मायने बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जब मैं लिखूँगा कि वन फ्रॉम टू तो मुझे इसको अगर मैं यहाँ पे रफ़ लिख दूँ तो मुझे यहाँ पे जब मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया तो मुझे लिखना पड़ेगा वन फ्रॉम टू तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन ट्वेंटी टू फिर मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन दिस इज वॉट द राइट मेथड आफ्टर राइटिंग वन फ्रॉम टू बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर वन दो में से सब्सट्रैक कर रहे हैं और आपको एक्चुअली करना है दो एक में से तो यूजुअली ये लिखते हो ध्यान से रखना हम लोग इक्वेशन टू सब्सट्रैक कर रहे इक्वेशन वन में से तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो सही रहेगा फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू जब करते हैं तो बकायदा यू शुड चेंज द साइन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे आपका फाइव बी हो गया कैंसल थ्री ए माइनस ए हो गया आपका टू ए आपके ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेंटी टू गए बचे फोर ए इक्वल्स टू फोर बाई टू इक्वल्स टू टू एक्वल्स टू आ गया आपका टू अभी पुट ए इक्वल्स टू टू इन किस में रखेंगे एक या दो जो चाहे रख दो मुझे आसानी दो में रख रही है तो मैं इक्वेशन टू में पुट करूंगा इक्वेशन टू है आपका ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू तो फाइव बी इक्व टू आ गया ट्वेंटी टू माइनस ए ए की वैल्यू है आपकी ट्वेंटी टू माइनस टू दैट इज योर फाइव बी इसका सब्सट्रैक्शन हो गया ट्वेंटी सो बी इज इक्वल टू आ गया आपका ट्वेंटी बाई फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी सो आपका बी इक्व टू आ गया फोर

उसको हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे सो so, आपका यहाँ हो गया थ्री ए प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स हो गया इज इक्वेशन वन एंड आपका जो इक्वेशन है फाइव ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टू ट्वेंटी टू सो ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपका ट्वेंटी टू माइनस फाइव बी इसको बना दो तो आप टू सब्सटीटूट दिस इन इक्वेशन वन क्या आएगा आपका इक्वेशन में सो थ्री ए की वैल्यू क्या हो गई ट्वेंटी टू माइनस फाइव बी इन ब्रैकेट प्लस फाइव बी बील्स टू ट्वेंटी सिक्स अभी इसको सॉल्व करो सिक्सटी सिक्स माइनस फिफ्टीन बी प्लस फाइव बी इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स दिस बिकेम्स दिस सिक्सटी सिक्स गोज टू दैट साइड और ओके आई विल कीप लाइक दिस माइनस टेन बी इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स दिस टेन बी गोज साइज बी केम प्लस टेन बी एंड दिस सब्सट्रैक्शन विकेम्स फोर्टी इक्वल्स टू टेन बी सो फोर्टी बाई टेन इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू फोर हियर सेम बी इज इक्वल्स टू फोर हियर ऑल्सो बी इज इक्वल्स टू फोर दे आर फोर एज एक्वल्स टू क्या है आपका ए यहाँ पे ट्वेंटी टू माइनस फाइव बी 22 टू ट्वेंटी टू माइनस फाइव इंटू फोर इज इक्व टू ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी ये हो गया आपका टू ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी टू उससे हम इसको सब्सटीटूशन भी सॉल्व कर सकते थे और हम इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे